हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल इम्प्रूवमेंट हाँ तो दोस्तों आज के शेडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो कुछ फ्री कोर्सेज में आप लोग को बताने वाला हूँ और किस टाइप से आप लोग को इनरोल करना है और कितने सारे कोर्सेज आप लोग के लिए फ्री है उसकी सारी डिटेल्स स्टेडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो वीडियो को इन तक देखिएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहती है मेरे चैनल पर फ्री कोर्सेज़ फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज फ्री इंटर्नशिप की फ्री गवर्नमेंट जॉब्स की आप लोग को अपडेट्स मिलती रहती है और स्कॉलरशिप की भी अपडेट्स आप लोग को चैनल पे मिलती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको क्लिक करके उस पेज पर सीधा इस पेज पर आ जाना है तो बिल्कुल इसी वेबसाइट पे आ जाना है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को आगे बढ़ जाना था आप लोग को और यहाँ पर मैंने कोर्सेज़ की डिटेल्स आप लोग नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि पहला कोर्स जो यहाँ पर आप लोग का सेवेंटी सेवनथ जियो टेक्नोलॉजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ और ये कोर्स है जो कि आप लोग का 17 मई से ट्वेंटी एट मई तक होगा इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का डेट फॉर्म है आप लोग फिल कर सकते हैं इसकी वाउचर्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और शेड्यूल इस कोर्स की जो शेड्यूल है किस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा उसकी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगी फिर नीचे कोर्सेस है यहाँ पर जो कोर्स है उसका वन डे वर्कशॉप ऑफ लूना रिमोट सेंसेसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि वन डे है इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं एक दिन का कोर्स होगा इसमें आप लोग सर्टिफिकेट इनरोल करके और क्लास अटेंड करके आप लोग ले सकते हैं इसकी भी शेड्यूल यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी और कोर्सेस वाउचर मिल जाएगी आप लोग क्लिक करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना होगा इसको ऑनलाइन करने का फॉर्म यहां पर है और ये कोर्सेस वाउचर यहां पर आप लोग को मिल जाएगी शेड्यूल यहाँ से मिल जाएगी नीचे भी एक कोर्स आती है जिसकी अभी टाइम है बहुत टाइम है वेबिनार सीरीज ऑफ एस डाटा प्रोसेसिंग जो कि को वाइज है और यहाँ पर ये भी वन डे की प्रोग्राम है तो इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं ट्वेंटी एट मै से है जो कि प्रोग्राम इसका और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसका दिया गया है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं करके वाउचर भी यहाँ पर और उसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट कोर्सेज़ भी है जो जिसमें भी अभी डेट है हाल फिलहाल में ख़त्म होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज इमेज रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल डाटा यहाँ पर भी आप लोग का सिक्सटीन यहाँ पर और ट्वेंटी थ्री कोड है जो कि कोर्सेस का और ये जो टाइमिंग है इसका इंटरवल है वो आप लोग का थर्टी मई से लेके ज़ीरो थर्टी अप्रैल से सेवन्थ मई तक टाइम दिया गया है इसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है और यहाँ पर शेड्यूल भी आप लोग चेक कर लीजिएगा और भी कोर्सेज़ हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इन कैसे करना है और यहाँ पर मैं शेड्यूल्स भी आप लोग को दिखा देता हूँ जो सेकंड कोर्स है वन डे का जो कोर्स है वन डे ये कोर्स का मैं आप लोग को यहाँ पर शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं आप लोग को बता दूंगा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सेम होगा बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को बस आप लोग कोर्सेस और शेड्यूल डिसाइड कर लीजिएगा जिस शेड्यूल में आप लोग को करना होगा इनरोल और सबसे पहले आप लोग को इसमें अकाउंट होना चाहिए तो उसकी डिटेल्स मैं आप लोग को बता दूंगा तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़िएगा तो इस पर क्लिक करते के साथ आपका दूसरा पेज रेफ़र कर दिया जाएगा जिसमें आप लोग देख सकते होंगे बेसिक सी डिटेल्स आप लोग को फिल करनी होगी जो कि आप लोग आसानी से फिल कर सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नेम फिल करना होगा फिर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाइड ई मेल फ़िल कीजिएगा और यहाँ पर कंफर्म फिल कर लीजिएगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग को फ़िल कर लेना है जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंडीशंस दी गई है इस कंडीशन के हिसाब से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा उसके बाद यहाँ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का कम्प्लीट हो गया है उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक कर लेना है सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आगे नेक्स्ट का प्रोसेस कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आप लोग अकाउंट देख सकते होंगे अपना जो भी क्रिएट किए होंगे वो आप लोग इनरोल कर सकते हैं तो जैसे ही अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे इस पर लॉग और रजिस्टर पर क्लिक करके उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आप लोग कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लोग को कोर्स करना है उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल्स आप लोग से मांगा जाएगा वो आप लोग फिल करना है फिर एजुकेशनल डिटेल्स आप लोग से मांगा जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स में आप लोग का टेंथ का डिटेल्स थोड़ा बहुत माँगा जाएगा और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को कुछ गवर्नमेंट्स वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को फिल करने होंगे बेसिकली आधार कार्ड पेन कार्ड इस टाइप से आप लोगों को कुछ वेरीफाई करना होगा उसके बाद प्रिव्यू करके आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल सी डिटेल्स आप लोग को बस फिल कर लेनी है उसके बाद आप लोग रजिस्टर करके कोर्स में इनरो कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को वेरीफ़ाई करने के लिए कुछ टाइम मिलेगा जो कि आप लोग को यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन आ जाता है इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो आप लोग जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं उसकी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगी यहाँ पर मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया है इसलिए यहाँ पर स्टेटस नहीं दिखा रही है तो आप लोग अकाउंट लॉग कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को स्टेटस भी आराम से दिखाई दे देगी आप लोग की जो कोर्सेज में इनरोलमेंट है वो वेरीफाइड की गई है जब तक वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप लोग कोर्स में इनरोल कोर्स की क्लासेस नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों